तो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों का पबजी मोबाइल का अकाउंट फेसबुक से लिंक है और अगर आप लोग BGMI में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप लोग 28 सितंबर से पहले पहले कर सकते हो, यानी कि 28 सितंबर के बाद अगर आपका फेसबुक से अकाउंट लिंक है पबजी मोबाइल वाला तो आप लोग BGMI में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग डेटा ट्रांसफर करने जा रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को फेसबुक का आइकन ही शो नहीं हो रहा है ताकि आप लोग फेसबुक से डेटा को ट्रांसफर कर पाओ। तो अभी की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी चीज का सॉल्यूशन देने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका अकाउंट फेसबुक से लिंक है तब भी आप लोग अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना। चलिए फटाफट से अभी के ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को पबजी मोबाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोग को छोटी सी एक चीज समझाता हूँ। हम लोग जब भी डेटा ट्रांसफर करने जा रहे हैं BGMI के अंदर में तो वहां पर हम लोग को पहले दो ऑप्शन आते थे, फेसबुक और ट्विटर। अब हम लोग को सिर्फ ट्विटर आ रहा है, यानी कि हम लोग ट्विटर से अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, पबजी मोबाइल को ओपन करके उसमें ट्विटर को लिंक करना है। अगर एक बार ट्विटर लिंक हो गया फिर तो हमारा डेटा ट्रांसफर इजिली हो ही जाएगा। तो ट्विटर को कैसे लिंक करना है मैं सिंपली आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को पबजी मोबाइल को ओपन करना है, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद नीचे अकाउंट्स का बटन मिलेगा, अकाउंट पर क्लिक करना है। अब ये जो अकाउंट सेटिंग है यहाँ पर आप लोग को लिंक्ड का एक बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो ट्विटर से लिंक है। लेकिन आप लोग के केस में क्या होगा, आपका फेसबुक से इधर लिंक होगा। आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको इधर प्लस वाले आइकन पर सिंपली क्लिक करके अपने अकाउंट को ट्विटर से लिंक करना पड़ेगा। मेरे पास बेसिकली कोई ऐसा अकाउंट नहीं था जो कि फेसबुक से लिंक हो, तो ये ट्विटर से लिंक है। बट आप लोग ज्यादा माइंड मत करना, बस आपके वाले केस में क्या होगा, जहां पर मेरे में ट्विटर आ रहा है यहां पर आपके में फेसबुक होगा और आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे यहां पर आप लोगों को ट्विटर का बटन देखने के लिए मिलेगा या फिर ट्विटर का आइकन देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप लोग ट्विटर वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका ट्विटर जो है लॉग इन होना चाहिए आपके फोन के अंदर में, जो कि आप लोग ऐप डाउनलोड करके सिंपली लॉग इन करके छोड़ देना। जैसे आप लोग फिर यहां पर आकर के ट्विटर वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो ट्विटर के साथ में लिंक हो जाएगा। अब जैसे आप लोग एक बार सक्सेसफुली अकाउंट को लिंक कर देते हो अपने ट्विटर वाले को, उसके बाद आप लोगों को BGMI के अंदर आना है। आने के बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आप लोगों को अकाउंट ट्रांसफर में जाना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये पूरा नोटिस आएगा, इसको आप लोग सिंपली यस करना है। फिर आप लोग इधर देख सकते हो आपको ट्विटर का आइकन नजर आएगा। अब तक तो देखो आपका अकाउंट फेसबुक से लिंक था लेकिन अब ट्विटर से भी लिंक है, तो आप लोग अपने डेटा को ट्विटर के थ्रू इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपली आइकन पर क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोगों को ट्विटर की डिटेल डालनी है, यानी कि लॉगिन करना अपने ट्विटर अकाउंट को, और उसके बाद आप लोगों का डाटा जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को डाटा ट्रांसफर नहीं करना आता तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को लिंक वगैरह दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली डेटा ट्रांसफर कर पाओ। बाकी अगर आप लोग चाहते हो जो मैंने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए गाइस अभी के ये वीडियो में सिर्फ इतना है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने सभी दोस्तों साथ में ये वाली वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी इजीली अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाए। तो मिलता हूं सबसे बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।